में ज्वाइन नहीं करते, कॉन्स्टेंट ज्वाइन आता जाता ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। It might be noted that problem has been given over the screen, which you require to solve and share in WhatsApp. This problem is exactly similar to the last problem, which we have already solved in last class. Similar है ना ये problem? Hello, hello, hello. Am I audible? Yes, sir. हम पूछ रहे हैं ये प्रॉब्लम yes, लास्ट प्रॉब्लम सिमिलर है ना? यस सर। तो सॉल्व इट आउट एंड शेयर नोट सर। नेक्स्ट दिन से क्या होगा ना, जब जिस जितने बजे से क्लास होगा उसी टाइम में आपको ज्वाइन करना होगा। अगर मान लो किसी नेटवर्क फेलियर या समथिंग लाइक दैट, कुछ दूसरा रीजन से आप ज्वाइन नहीं कर पाए, मान लो नेटवर्क फेलियर और समथिंग, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो आप एक काम करना, क्लास स्टार्ट होने के टाइम में आप सीआर को मैसेज कर देना, otherwise you should not be entertained in class. क्योंकि ये कोई मछली बाजार नहीं है, जब मर्जी आप एंटर कर लिए क्लास में, एंट्री कर लिए, नो, यू हैव टू बी पंक्चुअल। आज हम आपको लास्ट बोल दिए, आयुष इतना लेट क्यों हुआ सर? सी का क्लास सी प्रोग्रामिंग का लास्ट टाइम में ऐसा कोई मैटर होगा ना, तो आप सीआर को इन्फॉर्म करना विद इमीडिएट, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, क्लास में लेट एंट्री करोगे तो एंट्री नहीं मिलेगा सर। सी प्रोग्रामिंग का क्लास चल रहा था 2 बजे से, सर को बोले नहीं, मेरे पास मेरा क्लास है सर, तो क्लास शेड्यूल इज फ्रॉम 2 टू 3:30 as is interslot in our schedule, official schedule, so that's why. 2 to 3:30 ये लैब था या क्लास था? सर ना थ्योरी क्लास। ठीक है, तो मतलब इस क्लास में हमेशा आप लोग 10 मिनट्स लेट ही आओगे? तो ऑफिशियली हम क्लास को 3:10 से रखते हैं। सर एक्चुअली इट्स फ्रॉम 3:30 सो आई कांट डू एनीथिंग। वीकली कितना दिन है ये क्लास? आंसर 2 days, आंसर ट्यूसडे फ्रॉम 2:30 एंड फ्राइडे फ्रॉम 4 to 5, 3 to 4। तो आप बोले नहीं उस टाइम में हम लोग का क्लास 4 to 5, फ्राइडे से 4 to 5। हाँ? I don't know sir. फ्राइडे में 4 to 5 है। हेलो? सर हम लोग का 3 to 4 क्लास है, मैंने बोला सर हम लोग का 3 to 4 क्लास है, मैंने बोला तो फिर सर ने बोला ठीक है 4 to 5 रखेंगे। उसके बाद सर हमारे कुछ बैचमेट से बोला कि 4:30 तक है, सो इसलिए मैं आपको इसलिए बोल पाई। सो सर अगर 4 से अगर फ्राइडे हो गया तो अच्छा होगा। हम लोग का क्लास कितने बजे से है? 3 to 4। I know sir, 3 to 4. अब टीचर को, हम लोग का क्लास 3 बजे से है, तो सर को किस लिए नहीं बोला जैसे सर 4 से रखी है 4 बजे से क्लास? हाँ सर हम बोले थे, लेकिन सर ने बोला कि अगर 10 to 20 minutes आप थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए तो अच्छा होगा, इसलिए मैं और कुछ नहीं बोल पाई सर। नहीं नहीं, आप सर को आप क्लियर बोलना जो हम लोग का क्लास के साथ क्लास ना करें, ठीक है? ओके सर। सर तो बाद में एडजस्ट किया ना क्लास, हम लोग का क्लास तो पहले एडजस्टेड हो गया था आप लोगों के साथ। अगर टाइम चाहिए तो जो टाइम हम ऑलरेडी छोड़े हुए थे ना, जो टाइम आप लोग का, उस टाइम में क्लास एडजस्ट कर लो। बट इस टाइम में हम सर को बोलना, अर्णव सर ने स्ट्रिक्टली कहा है क्लास एडजस्टेड हो गया है, अर्णव सर का भी दूसरा क्लासेस है, 4 बजे से एडजस्टेड नहीं हो पाएगा, ठीक है? आप उसी 4 बजे के बाद, ऐसा कोई मैटर नहीं है। कौन टीचर है? उज्जो सर को बोलना जब अर्णव सर ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि उनका 3 बजे क्लास है, तब 4 बजे के लीजिएगा, ठीक है? वो 10 मिनट 20 मिनट ऐसे एडजस्ट नहीं होगा, हम लोग लेट आते हैं तो अर्णव सर नेक्स्ट दिन से बुला है, एंट्री नहीं होगा, ठीक है? गेटिंग ओके सर। तो मतलब फ्राइडे आप लोगों का मेरा क्लास 3 बजे से ही है, 4 बजे नहीं है, आई होप यू कैन रिमेंबर। 3 से 4 तक है। किसका क्लास? मेरा? हाँ सर, आपका ही क्लास। और उनका क्लास 4 बजे से है? 4 बजे से है, ये सर ये क्लियर करने के लिए हम बोले थे।
बस, और आज का क्लास 3:30 तक ना करके थोड़ा सा ये करना, ठीक है? ओके सर, श्योरली. ओके, सो व्हाट एवर द प्रॉब्लम यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी गिवन यू इन लास्ट क्लास. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व इट आउट एंड शेयर इन व्हाट्सएप. हो जाएगा ये? हो जाएगा? हो जाएगा इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे शेयर? ठीक है, सॉल्व इट आउट एंड शेयर इन व्हाट्सएप. प्लीज सॉल्व करके शेयर करो जल्दी. सुनो ना, कल मेरा कुछ काम आ गया है, तो पर्टिकुलर कल का क्लास. आईटी आप लोग 10 बजे से फ्री हो या नहीं हो? आईटी हेलो है सर, फ्री हो ना? मिगल यस सर, यस सर. पढ़ने से आप लोग फ्री हो 10 बजे से कल? नो सर, हम लोग का टेस्ट है. टेस्ट है, एक काम कर, कितने बजे से टेस्ट है विक्रम? 9:45. तो एक काम करते हैं, कल का क्लास आप लोग का लास्ट क्लास कब, कितने बजे तक है विक्रम? पांच बजे तक लास्ट क्लास है ना? ठीक है, ठीक है. आप लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर बाद में हम देखते हैं, मेरा कुछ काम तो कुछ आ गया. जल्दी सॉल्व इट आउट एंड शेयर इन व्हाट्सएप, जल्दी, हम इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना वेट करेंगे तो नेक्स्ट मैटर में जा नहीं पाएंगे. प्लीज, शायद भेज भी दिया. अर्नेस आप लोग कर रही हो तो प्रॉब्लम दिया गया? Yes, have you taken the screenshot? तो प्रॉब्लम करना है? यस सर, टूक. नेक्स्ट दिन से थोड़ा सर को बोलना, जैसे मतलब टाइम नहीं छोड़ा कीजिए, नहीं तो अर्णव सर, नहीं तो मेरा क्लास में प्रॉब्लम होता है ना. हेलो, आप तो इस बारे में मुझे रिक्वेस्ट किए थे, हम आपको बोले थे ना, मेरा दूसरा क्लास रहता है यार, हम लोग का रेगुलर बेसिस में 4-5 क्लास रहता है, ये शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है. ऑलरेडी जो शिफ्टेड मैटर है, जो क्लास टाइम ऑलरेडी छोड़ा गया, उसी टाइम में आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं. उस टाइम में हम अभी लेंगे नहीं, जब बाद में लेंगे तब देखा जाएगा. बट अभी फिलहाल जो शेड्यूल है उनके साथ कुछ मत किया करो, प्रॉब्लम आ जाएगा. गेटिंग ना? ये 10 मिनट 20 मिनट लेट पहुंचेंगे, ये कोई मूवी थिएटर नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आई होप फ्रॉम, आप आज बोले थे सर का क्लास है, बोले थे आज अन्य सर? हाँ सर, हम लोगों ने बोला था, उसके बाद ही हम क्या बोले थे उस टाइम पे हम लीव किए, वरना तो 4:30 तक चलता. बोले थे एक्चुअली ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो 2 से 2:50 तक होता है, 3 से 3:50 तक होता है, ये 2:30 बजे से कोई शेड्यूल नहीं होता है. ठीक है, तो सर को बोलना, ये अनुप सर का इसका बाद क्लास है ना, वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, उन लोगों का मैथ में 3-4 क्लास रेगुलर बेसिस में रहता है. गेटिंग? ठीक है, आई होप फ्रॉम नेक्स्ट डे यू शुड एडजस्ट द मैटर, है ना? ठीक है ना सर, हो जाएगा ये? ओके सर. सो सपोज दैट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच ऑफ व्हिच हैज 3, तो जल्दी सॉल्व करके भेजो व्हाट्सएप में, आई एम वेटिंग. सर कर दिए हैं सर. कर दिए हो? ठीक है, देखते हैं.
आईटी में हम देखे सीएसबीएस से कोई आंसर आया नहीं, सीएसबीएस से भी एक आंसर आया है। सैंथन निजा झा ऑलरेडी सेंड फ्रॉम आईटी, ये किसका कॉपी है? अनमोल, अनमोल कुड यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम? अनमोल यस सर, हेलो प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू हैव सॉल्व दिस वन। आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपका यस सर प्रॉब्लम प्रेजेंटेड है? यस सर। सर यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग पॉसिबल कप्स ऑफ द एग्जाम, फिर उसके बाद पॉसिबल पॉसिबल क्या बोले पॉसिबल कप ऑफ द एग्जाम स्कोर कहाँ नहीं स्कोर स्कोर ठीक है स्कोर कार्ड कैसे हो जाएगा एग्जाम का कार्ड होता है क्या? नो सर गलत लिखते ठीक है ये कार्ड होता है पॉसिबल स्कोर ऑफ द एग्जाम दिख रहे हो आप? हाँ बोलो आगे सर। उसके बाद वो हमारे पास वो फॉर्मूला है पी इक्वल पी ए पी अरे यार ऐसा नहीं होता यार स्कोर यहाँ पे लिखना होगा आपको एक्स फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग देख रहे हो ना हम कहाँ करेक्शन कर रहे हैं यहाँ आप लोगों का गलती हो जाता है ठीक है तो इसलिए हम एक कॉपी को करेक्शन कर दे रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल ऑफ यू प्लीज फॉलो द सेम। आपको लगता है ये डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक चला जाता है ये एन तक जाता है कहां तक जाता है टेल मी एन तक जाता है ना जहां पे एन फाइनाइट नंबर होता है ठीक है अनमोल? यस हेलो सो नाउ इट्स ओके एक्स इक्वल्स टू फोर जस्ट यू सिंपलीड फाइंड एन इक्वल टू फोर सिंपल बिकॉज देर आर फोर क्वेश्चन आर देयर एंड ईच क्वेश्चन हैज थ्री पॉसिबल आंसर टू सिलेक्ट दैट्स व्हाई probability of getting correct answer is 1/3 and probability of getting wrong answer 2/3. So probability of x equals to 4, x equals to 0, x equal to 2, x greater than equal to 2. हम hello बैठेंगे तो you should have the answer. No problem. इसको कोई ऐसा है जिसको ये problem समझ में नहीं आया या समझ नहीं पा रहे हो कैसे होगा matter? Hello? 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 यस सर समझ पाया सर। यस ओके ठीक है सो आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पर्सन। कल आप लोगों का कौन सा एग्जाम है सीएसबीएस? लास्ट टेस्ट तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है सर हमारा कोई एग्जाम सब्जेक्ट के एग्जाम है तो कोई बोल रहा था ना सर कल हम लोग का एग्जाम है किसका एग्जाम है 9:45 से क्या एग्जाम है फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैथ का भी एक एग्जाम होगा आफ्टर फिनिशिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बट वो एग्जाम हम चाहते हैं वीकेंड में लेना या वीकडे में लेना सही रहेगा बताओ आप सर कब है? हम अभी हम लोग एक एग्जाम लेना चाहेंगे अन्यथा पहले आप मैटर को क्लियर कर दिया करो नहीं तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा आपका साथ नहीं तो क्लास स्टार्ट हो जाएगा आप लोग लेट एंट्री करोगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा ठीक है आपको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं इस मैटर में क्लियर मैटर क्या करो ठीक है। हाँ तो हम आप लोग को पूछ रहे हैं हम भी जैसे मेरा बायोमेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन अभी चल ही रहा है तीन चार क्लास में मेरा पॉइजन तक खत्म हो जाएगा पॉइजन एंड नॉर्मल खत्म करके हम लोग एग्जाम लेंगे नेक्स्ट वीक में एग्जाम लेंगे आयो वीकडे में लेंगे या वीकेंड में लेंगे बताओ आपके लिए कौन सा सही रहेगा? वीकडे 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 सर वीकडे वीकडे ठीक है। फाइंड फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल कैन यू सी द प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन? यस सर। देखो अभी जो एग्जाम का फॉर्मेट है कोरोना का वजह से उसमें अगर ये प्रूफ लंबा लंबा प्रूफ ये आता नहीं आएगा नहीं गेटिंग बट जैसे ये का देखे क्या नाम है जो बैकलॉग पेपर का है वहां पे देखना मैकआउट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन भेजा है सॉल्व करके पेपर को अपलोड करना होगा पीडीएफ फाइल को है ना
अगर इस फॉर्मेट में एग्जाम लिया गया बाद में आपका, अभी तक तो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे ना क्या होगा, एमसीक्यू बेस होगा या सब्जेक्टिव होगा या पीडीएफ अपलोड करना होगा। अगर पीडीएफ अपलोड करना होगा तभी ये मतलब प्रूफ टाइप का प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज सब्जेक्टिव होगा जिसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आता है या समझ रहे हो ना एमसीक्यू बेस्ड आता है तो नहीं आएगा। सो शुड वी डू इट और लीव इट? हेलो हेलो सर, समझ रहे हम क्या कहना चाहें? सर वी शुड डू द क्वेश्चन सर, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि अभी फिलहाल जो लास्ट एग्जाम दिए उसी फॉर्मेट में अगर एग्जाम होता है तो ये प्रूफ नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। सो लेट एक्स बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेट एक्स फॉलोस, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, तो हम लोग कर दे रहे बिकॉज इन एनी फॉर्म ऑफ एग्जाम यू कैन गिव इट, है ना। सो एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, समझ रहे हो, फॉलोस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय, हुज पीएमएफ इज गिवन बाय, बोलो, गिवन बाय, बोलो, टेल मी। सर बाइनोमियल का मास फंक्शन याद नहीं है क्या? सर ncx p to the power x into p to the power n minus x, otherwise, ठीक है। so mean formula for mean is what, expectation of x, expectation of x means, बोलो, what is the formula for finding expect mean, that is expectation of x from probability mass function, yaad bhi hai ya nahi, hello, yaad hai bhi ya nahi, perhaps can you hear me clear or not, tell me, can you hear me clearly or not? Yes sir. Okay, so simply I put a probability mass function formula here. So it become, ये हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट अभी से अटेंडेंस देना स्टार्ट कर दिए हो क्या? हमने बोले आपको अटेंडेंस देने के लिए, बोले क्या? सो एक्स इक्वल टू जीरो टू एन एक्स एन सी एक्स, एन सी एक्स मीन्स फैक्टोरियल एन divided by factorial x into n minus x p to the power x p to the power n minus x. Is it clear? Hello? Yes, sir. This x with factorial x, we should have factorial x minus 1, factorial n e to the power x e to the power n minus x and factorial n minus x. Now please have a look that in the formula of ncx you required x, ncx formula mein x ka zarurat hai, but currently now you are not having x with you, so ye formula phir se ncx nahi ban sakta hai, ye formula ko banana hoga ncx minus 1, but we please note that फॉर्मूला एनसीएक्स का फॉर्म आता है, ये माइनस वन फाइनल अच्छा नहीं लग रहा है, इन ऑर्डर टू एडजस्ट दिस वन वी रिक्वायर टू फॉर्मुलेट इन द फॉर्म एन माइनस वन सी एक्स माइनस वन, समझ में आया मैटर? हम एनसीएक्स नहीं कर सकते क्योंकि एनसीएक्स में एक्स चाहिए, मेरा एक्स हट गया है, एक्स माइनस वन आ गया उनका प्लेस में, तो हम लोग उसका नेक्स्ट शॉर्ट को अरेंज कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट टर्म को अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यू आर अप्लाइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन वी आर फॉर्मिंग मीन्स we require to go to next term, so that's why we are taking n minus 1 cx minus 1 term. Samajh aaya? hello aayana, hello, yes sir, yes. So have a look that x is varying from 0 to n,
So if we substitute x equals to 0, it is factorial minus 1, which is impossible. So that's why I am substituting x equal to, bolo? X minus 1. अरे x equal to अगर 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे भी तो factorial minus 1 आ जाएगा ना. Factorial minus 1 is not possible. So that's why I am substituting x equal to 1. So that it should run from factorial 0. Factorial 0 is 1, no. But factorial negative is undefined. हम नहीं जा सकते negative portion में factorial को लेके. Getting na? So basically yes. we require to adjust n to n minus 1 and x to x minus 1. This adjustment we require to go for. So that's why adjusting. देखो n को n minus 1 में ले जा रहे, x को x minus 1 में ले जा रहे, तो हम इसको कैसे ले जाएंगे? N को n minus 1 में लेंगे, ठीक है? I'm taking factorial n as n into factorial n minus 1 and p to the power x, how am I adjusting? P into p to the power x minus 1, q to the power n minus x, n minus 1 minus x minus 1. Is it okay? हाँ या ना? Factorial x minus 1 यहाँ पे है, n minus 1 minus x minus 1 factorial. Is it okay? Hello? Yes, sir. ठीक है ये? ठीक है जी? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So I am taking n p outside of the summation notation because terms inside the summation notation depends on x, and basically n, which is number of trial, and p, which is probability of success, do not depends on x. ठीक है? और p का कोई power है भी नहीं, कोई problem नहीं. Is it okay? एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है? हेलो, आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल? यस सर. यस सर. नाउ वी आर टेकिंग, हैव अ लुक. नाउ वी आर टेकिंग n माइनस 1 इक्वल्स टू m एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू r. सो व्हाटएवर द चेंजेस वी आर डूइंग हियर, but just reflecting inside the summation notation, not outside. So it become NP. Whenever x equal to 1, r equal to 0. Whenever x equal to n, r equal to m. Jabhi x 1 hoga, r kitna hoga? 0 hoga. Whenever x equal to n, jab hum baithenge, to r kitna hoga? N minus 1, which is m. Sanaya ji, better. Hello? Hello? Sir, not completely clear. Getting higher now? No, sir, not completely getting. Hello? Hello? No, sir, not clear. Kis liye kahan problem hai, batao? Sir, long. Last line ke pichhe wali line mein. Last? Last line ke pichhe wali line pe. Good. So, matlab, jaise, आर एक्स का वैल्यू 1 बैठा होगे तो आर का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस 1 दैट इज 0. ठीक है? ठीक है ये? हां सर. बट व्हेनेवर यू आर टेकिंग x इक्वल टू n देन r इक्वल टू n माइनस 1 व्हिच इज m. ठीक है जी? ओके सर. सो फैक्टोरियल m p टू द पावर r q टू द पावर m माइनस r. यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टोरियल है तो ये फैक्टोरियल r हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल होगा m माइनस r तक. समझ में आया? हेलो, इज इट ओके? सो इट बिकम एन पी आर इज इक्वल टू 0 टू m m c r p टू द पावर r q टू द पावर m माइनस r. फाइन. अरे m c r फॉर्मूला है, factorial n divided by factorial r into n minus r, होता है ना? Now, if you want to remember the binomial expansion, mere expansion,
So we should have, देखो binomial expansion में क्या है, a plus b whole to the power n is equal to r is equal to 0 to n n c r a to the power r b to the power n minus r. ये होता है ना, हेलो होता है ना ये? यस सर. सो आई कैन, दिस इज द binomial expansion ऑफ a एंड b. सो इफ यू look at here, so this is a, nothing but a binomial expansion of p plus q whole to the power m. We know that p plus q is equal to kitna hoga, p plus q batao sir, 1 so this means np into 1 to the power m means np. So we have the mean of binomial distribution is mean, which is equal to expectation of x, and its value is would be np. Is it clear? Clear? Haan ya na? Yes sir. Isko hum log number 1 karte hain. Theek hai? Variance. Formula for variance of x is what? Expectation of x square minus expectation of x whole square. Now have a look. अगर हम लिखो मत मेरा साथ साथ, आर यू राइटिंग विद मी और नॉट? हर क्लास में हम बोलते हैं मैथ को लिख के किया करो, आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो या नहीं? छोड़ दियो, सही बोलना. सब स्क्रॉल अप. आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो या सिंपल बैठे हो? सर लिख रहे हैं सर. हाँ लिखो, क्योंकि मैथ देखो बिना लिखे होता नहीं है. स्क्रॉल अप कहाँ तक स्क्रॉल करे बताओ? ठीक है ठीक है. अब एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर अभी लिखो मत आप लोग, क्योंकि हम कुछ आपको समझाना के लिए लिख रहे हैं. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला शुड बी दिस वन, एक्स स्क्वायर. हम लोग यही तो सीखे थे ना, हेलो यही तो सीखे थे ना हम लोग, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स है ना? यस सर. अनन्या आप सॉरी क्या नाम, अनन्या आप क्लास कितने बजे से बोले? वो 2 बजे का क्लास कितने बजे से बोले आप? 2:30 से 3:30 तक बोले आप क्या? सर किसका? हां सर कब का सर डेट? आप कितने बजे से कितने बजे तक बोले थे? 2 से 3:30 तक सर. आपका? नहीं नहीं उनका क्लास. सर उन्होंने बोला सर ट्यूजडे 2 to 3:30 एंड फ्राइडे 4 to 5. हाँ ये उन्होंने बोला. काम करना उनको थोड़ा 3:30 तक थोड़ा इसको क्लियर कर लिया करो, क्योंकि 3 बजे से मेरा क्लास शुरू हो गया करो. ठीक है सर. हाँ सर. तो ये क्लास आप बोले नहीं थे शायद? और हाँ इसका बाद आप लोग क्लास मत रखा करो, आज का क्लास के बाद, एक क्लास के बाद क्लास रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि ये क्लास हम बाद में 5 बजे तक खींचेंगे, इसीलिए हम लास्ट में क्लास को लेके गए थे. ठीक है ओके. सर एक कंफ्यूजन था. बोलो. सर मैं पढ़ाई को लेकर नहीं, टाइम को लेकर, सॉरी टू इंटरप्ट सर. फ्राइडे से आपका क्लास के 3 to 4 है या 3 to 4:30 है? ये सर ये टू क्लास का क्लियर कर. 3 to 4 है. 3 to 4 है. 3 to 4:30 नहीं है. 3 to 4 सर. 3 to 4. हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके सर. एक्स स्क्वायर और फैक्टोरियल एक्स. ठीक है देखो एक मिनट, ये दोनों अगर कैंसिल्ड होगा ना आपस में, मेघल समझ रही हो आप, ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल x माइनस 1 हो जाएगा. यहाँ पे x रह जाएगा, जो कि प्रॉब्लम है. क्यों समझ रहे हो आप? ये x, हेलो आप लोग समझ पा रही हो? हेलो yes, अगर x स्क्वायर से हम सिंपल किए तो देखना, एक x बिना कैंसिल हुए ऊपर रह गया न्यूमरेटर में, एंड हियर वी आर हैविंग x माइनस 1. तो जो ऊपर x रह गया था उसको देखो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इन बाइनोमियल एक्सपेंशन देखना x नहीं रहता है यहाँ पे, गेटिंग ना, x एज ए वेरिएबल नहीं रहता है यहाँ पे, है ना?
because you require to use the binomial expansion to simplify the terms, and binomial expansion do not require x to remain here, hai na? So I can't go in this way. Samajh mein aa raha hai matter? Hello, samajh mein aa raha hai ya nahi aa raha hai? Haan sir, aa raha hai. Hello, kyunki binomial mein x ऊपर नहीं रहता है और ना तो इस x को हम बाहर कर सकते हैं. किस लिए बाहर नहीं कर सकते इसको? ये x एक अनवांटेड x है जिसको हम ना तो ले पा रहे ना तो बाहर कर पा रहे. किस लिए बाहर नहीं कर पा रहे? बिकॉज x इज इटसेल्फ, x इज वेरिंग इनसाइड द समेशन नोटेशन. हाउ कैन आई मेक इट आउटसाइड ऑफ द समेशन? x खुद वेरी कर रहे तो उसको हम कैसे बाहर करते समेशन से? पॉसिबल नहीं है ना. ठीक है ये? ओके, तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. इज इट क्लियर? हाँ या ना? इज इट क्लियर? हेलो, यस सर. चलो ठीक है. एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. सो so I have the value of this expectation of x as well as this expectation x square. So I require to find x into x minus 1. हम directly simply x square को नहीं निकाल पाए, इसलिए इसको adjust किए. कैसे करके adjust किए? देखो, ये दोनों term से आपका x square आ जा रहा है और ये दोनों term से आपका देखो adjusted हो रहा है. Getting ना? क्योंकि यहाँ पे एक minus expectation of x हो रहा है और यहाँ पे plus expectation of x, so they are adjusted. समझ में आ रहा है अनमोल? ठीक है Yes, sir. One more. X into x minus one. So directly x square को नहीं निकाल पाए हम लोग. इसलिए नहीं निकाल पाए. I hope I have explained it properly. X into x minus one. समझ में आया? Hello. अब देखना, दिस एक्स इन टू एक्स माइनस वन गेटिंग कैंसल विद फैक्टोरियल एक्स गिव यू फैक्टोरियल एक्स माइनस टू. इज इट ओके? हाँ या ना? ठीक है, जल्दी बताओ. आप लोग खामोश रहते हो पूरा, मुझे समझ में आता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो नहीं. हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, समझ पा रही हो आप? यस सर. जब पूछा जाए तो आप लोग आंसर करो, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है. मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप समझ पा रहे हो नहीं, आपका पास आवाज जा रही है नहीं, इसलिए हम बार बार पूछते हैं. ठीक है, तो मुझे आंसर दिया करो, नहीं तो हम सुन नहीं पा रहे. अगर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते हम थोड़ी नहीं इतना बार पूछते. हम वेरीफाई कर रहे हैं मतलब आवाज जा रही है नहीं. गेटिंग? आप समझ पा रहे हो नहीं? किसी का माइक में प्रॉब्लम तो नहीं है? शुभम ठीक है? ये अन्य सर, निशा झा? हेलो, यस सर, यस सर. कहीं प्रॉब्लम है तो बोलना. तो देखो, ये ऑनलाइन क्लास है इसलिए बार बार पूछा जा रहा है, तो इस मैटर में ध्यान लगाना आप. सो प्लीज पे अटेंशन दैट एक्स जो है वो फिलहाल ये तो एनसीएक्स नहीं बन सकता, क्योंकि एक्स हट गया, एक्स माइनस टू आ गया है. तो सीरीज में फॉर्म एन माइनस टू सी एक्स माइनस टू. गेटिंग ना? इज इट ओके? जैसे हम लोग अभी किए थे. सो रिक्वायर्ड टू एडजस्ट एन टू एन माइनस टू एंड एक्स टू एक्स माइनस टू. इज इट ओके? बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग वी रिक्वायर टू एडजस्ट द लिमिट हियर. सो देन एक्स कैन नॉट वेरी फ्रॉम जीरो हियर, बिकॉज इफ यू पुट इफ यू सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल्स टू जीरो वी शुड हैव negative factorial. So that's why I can't put x equals to 0. Similarly, I can't put x equal to 1. I have to put x equal to 2. Is it okay? And I also require to adjust n to n minus 2. So मुझे थोड़ा दिखना आप हम लोग क्या कर रहे हैं. x equal to 2 to n. आप लोग आवाज दिया करो जब पूछ रहे हैं. n into n minus 1 factorial n minus 2. समझ पा रहे हो आप? अब देखो ना, n को n माइनस टू में एडजस्ट किए. समझ पा रहे हो? हेलो,
एडजस्टिंग एक्स टू एक्स माइनस टू. Is it okay, clear? 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 Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अभी हम लोग n into n minus 1 square I am taking outside of the summation notation. X equal to 2 to n. N minus 2 e to the power x minus 2 u to the power n minus 2 minus x minus 2 divided by factorial x minus 2 into n minus 2 into x minus 2 factorial. Now whatever the changes we want to suggest here, we should incorporate within the summation notation. Summation ka bahar jo hai wo to already simplified ho gaya hai, usme kuch change nahi karenge, theek hai na. Simple jo jo changes karenge summation notation ka andar karenge, hai na. समझे आप? हेलो हेलो. यस सर. हाँ यस सर. तो व्हेन एवर अन्य साहब देखो आप पिछले में क्वेश्चन की थी ये व्हेन एवर एक्स इक्वल टू टू ऑब्वियसली आर इक्वल टू जीरो. ठीक है. हाँ सर. व्हेन एवर एक्स इक्वल टू एन, एक्स का वैल्यू अगर एन बैठा है तो आर का वैल्यू एन माइनस टू बैठ जाएगा एंड you have the value of n minus 2 equal to n, so it become ठीक है. ठीक है जी. है सर. यस सर. सो इट बिकम यहाँ पे ले लेते p प्लस q होल टू द पावर n, ये हो जाएगा n इनटू n माइनस 1 स्क्वायर और p प्लस q होल टू द पावर n मींस 1 टू द पावर n मींस. समझे आप? हेलो समझे? यस सर. यस सर. सो नाउ द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ x, क्या है फॉर्मूला? फ्रॉम इक्वेशन टू इनको एक काम करते हैं, इक्वेशन थ्री करते हैं. जो जो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे जहां पे वेरिएंस पुट करना है, इसको हम इक्वेशन टू करते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू क्या मिला था? यही मिला था ना. ठीक है, उनका वैल्यू पुट कर दिए. गेटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वी हैव ऑलरेडी डिडक्टेड एज एनपी, ऑलरेडी हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू एनपी निकाली थे, है ना. समझे आप? हेलो. यस सर. सो इट बिकम एनपी इनटू 1 माइनस पी मींस एनपी क्यू. सो व्हाटएवर वी हैव गॉटन दैट for binomial distribution, for a binomial distribution mean kitna hoga, tell me mean np, NP. variance npq, npq, good. So tell me which one is larger for binomial distribution, mean or variance? Kaun bada hai? सर मीन वेरिएंस. थोड़ा चैट सेक्शन में लिखो ना जो जो प्रूफ हम लोग करवाए वो सही है या गलत है. अन्ना साहब सोच समझ के बात बोली आपने.
No, sir, ये बात आपने सोच समझ के बोले। If we take sir, if we take n n p common, then we get n p into 1 minus q, so it's less than 1. Anyone has some different of opinion? Sir, mean is. अन्नसन तो बोल रही है सर mean and variance में variance बड़ा होगा. Anyone? Sir, mean. कोई different opinion है? इसलिए सुगम? Sir, क्योंकि q will always be a fraction, sir, and it will be 1 by. Obviously ना. Because q is what? Probability of failure. कोई भी मैटर का प्रॉबिलिटी 0 टू 1 के बीच में लाई करता है तो आप फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करोगे तो बढ़ेगा क्या मैटर? ये कमेगा? घटेगा सर. तो समझे आप? किसी भी चीज मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो तो आप देखो, मतलब एक से बड़ा है या कम. मल्टीप्लाई है इसका मतलब बड़ा है, ऐसा थोड़ी ही होता है. मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शन से किए तो That's why I have asked you. Have you thought about it before replying? Is it okay? Samajh mein aaya? So I'm going to next question. Anna sir, aap logo ka work class 4 baje se shift ho gaya kya ya 4:30 se shift hua hai? Permanently? Hello? 4 बजे से शिफ्ट हुआ है या 4:30 से शिफ्ट हुआ है? सर 4 बजे से शिफ्ट हुआ सर, आई डोंट अंडरस्टैंड. हम बोल रहे थे वो जो क्लास अब बात कर रहे थे ना फ्राइडे का क्लास उज्जवल सर का, वो 4 बजे से शिफ्टेड है या 4:30 से शिफ्टेड है? तो 4 टू 5 बजे से है वो क्लास, 4 बजे से या 4:30 से? 4 से सर, 4 से 4 टू 5. ठीक है, हम लोग का अगर कोई क्लास, हम लोग का अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास लेना होगा तो हम लोग एक्चुअली 2 दिन एक्स्ट्रा क्लास के रखे थे लंबा क्लास के लिए, तो हम लोग का पास एक दिन तो है ना, उसको हम लोग खींच लेंगे. ओके ठीक है, मतलब आज का क्लास है ना. बट मेक श्योर सर क्लास शुड स्टार्ट फ्रॉम 3 नॉट फ्रॉम 3:30. ओके, सो फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 4, वेरिएंस इज 4/3. और सॉरी, हम आप लोगों को बोले थे समझ में आया या नहीं? आप लोग को नहीं लिखे थे ये प्रूफ समझ में आया या नहीं? जल्दी लिखो जो मीन एंड वेरिएंस का प्रूफ करवाए थे ना, समझ में आया या नहीं? जल्दी, किसी का समझ में नहीं आया तुरंत बोलना, किसी का समझ में नहीं आया तुरंत बोलना. मेघल हेलो, कुड यू हियर मी? मेघल यस सर. देखो देखो, हर प्रॉब्लम कराने के हर लाइन में आप लोगों को पूछा जाता है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है या नहीं? प्रॉब्लम कराने का बाद भी चैट सेक्शन में लिखा दिया जा रहा है, आप समझ पाए या नहीं? इसका बाद अगर आप लोग मुझे नहीं बोलोगे तो इसका तो मतलब आपका खुद का सब चीटिंग हो जाएगा ना. बोलो सर, आज का क्लास नोट सर सेंड कर दीजिएगा क्लास रूम पे. हाँ, आज का क्लास नोट सर सेंड कर दीजिएगा क्लास रूम पे. वो क्लास इसमें, हाँ तो रेगुलर होता है उसमें, उसके लिए आपको बोलना होगा क्या? अभी क्लास खत्म हुआ नहीं. ओके सर, उसके लिए आपको बोलना होगा. मैथ क्लास बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है ना. असाइनमेंट भी दिया गया है, याद है? देखिए आप लोग असाइनमेंट. यस सर. आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 4, वेरिएंस इज 4/3. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, है ना? Follows binomial distribution. Follows binomial distribution whose PMF is ठीक है जी, है ना? अब मीन कितना है? एन पी 4, वेरियंसिस समझ में आ रहा है? वेरियंसिस एन पी क्यू और गेटिंग, हाँ या ना? यस सर. है यस सर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यू रिक्वायर टू फाइंड इट. तो इन दोनों से जगह से कुछ इंफॉर्मेशन लेना होगा. अगर मीन 4 है, वेरिएंस अगर क्यू है,
So obviously q equal to 2/3, so 1/3, है ना? np4 np q 4/3, 4/3 means q equal to 2/3, 1/3, है ना? अरे समझ में आ रहा है ना आपको? So p equal to 2/3 ही होगा, because p plus q equal to 1. ठीक है जी? समझ में आया? अरे np4 np q 4/3 तो q 1/3 आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ. Now अब np कितना है? 4. मतलब n into 2/3 is 4, so n equal to 6. So we have the two value of the binomial distribution, two parameter of the binomial distribution. In fact, they are n and p. हम last class में बोले थे अगर दो parameter का value n and p आप जान जाए तो binomial आप solve कर सकते हो. So we are in the position of solving the question. Now moving back to the question, we are going to find probability of x greater than equal to 1. So probability of x greater than equal to 1 बोलेंगे तो मतलब 1, 0, 1 से n तक जाना होगा. N मतलब है 6 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके तो हम लोग एक काम करते हैं. टोटल प्रॉबिलिटी इज 1, सो आई एम टेकिंग दिस वन एज एक्स लेस देन 1, मींस 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ एन, आई हैव द वैल्यू ऑफ पी. इफ वी सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ देम इनटू द बाइनोमियल फार्मूला, वी शुड हैव एन सी 0 पी टू द पावर 0 क्यू टू द पावर n माइनस 0 r मीन्स 6 माइनस 0 मीन्स. समझ में आया ये प्रॉब्लम? हेलो किसको नहीं आया तुरंत बोलना, किसको नहीं आया? समझ में आया आप लोग को ये प्रॉब्लम? यस सर. हेलो, यस सर, सबको हेलो, ऑल ऑफ यू हैव गॉटन इट? ओके थैंक यू. ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग अटेंडेंस देना तुरंत स्टार्ट करना एंड गूगल फॉर्म में भी आप लोग मुझे एब्सेंट लिस्ट भेज देना, सीआर जो हो ना सीएसबीएसएनआईटी का अटेंडेंस जल्दी चैट में लिखो. और सीआर आप लोगों को बोला जा रहा है जो अटेंडेंस चैट सेक्शन में लिखा रहेगा उन्हीं का अटेंडेंस आप देना, बाकी किसी का नहीं. किस लिए नहीं? तो हम तो आपको व्हाट्सएप में भी अटेंडेंस मंगा सकते थे. किस लिए नहीं मंगा रहे? क्योंकि व्हाट्सएप में कोई भी अटेंडेंस दे सकते हैं, बट चैट में क्यों नहीं? चैट में वही दे सकते हैं जब हम खुद बोलेंगे, अब जब उस टाइम में प्रेजेंट है. क्यों? अन्यथा सही बोल रहे हैं ना, जो उस टाइम में क्लास में प्रेजेंट है वही अटेंडेंस दे पाएगा, है ना? व्हाट्सएप में तो कोई प्रेजेंट भी नहीं है वो भी दे देगा. अगर मान लो किसी का अटेंडेंस किसी दिन पर्टिकुलर रीजन से छूट गया है, मान लो जिस टाइम में हम बोले उस टाइम में आप प्रेजेंट नहीं थे, या प्रेजेंट नहीं थे ना मतलब नेटवर्क से निकल गए, तो काम करना सीआर को प्रूफ भेज देना, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ पे आज का डेट दिखाएगा, मेरा भी फोटो दिखाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट दे देना. अदरवाइज आप अगर कोई क्लास वर्क किए थे उस टाइम का, पहले क्लास में प्रेजेंट थे तो क्लास वर्क किए तो उनको रिप्लाई करके दिखा देना, जब हम क्लास में थे क्लास वर्क भी किए थे बट किसी रीजन वजह से जिस टाइम में अटेंडेंस लिया गया उस टाइम में मेरा छूट गया, सीआर को मतलब प्रूफ दे देना. ठीक है, तभी वो एंटरटेन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है मैकल? यस सर. अन्य सर ठीक है? हाँ सर एकदम. आप लोग एक काम करना, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, और किसी का बाकी है जल्दी दो, क्लास क्लोज कर देंगे हम जल्दी. एनीवन एल्स रिमेनिंग टू पुट अटेंडेंस? नो वन. आप लोग तो देख सकते हो ना चैट सेक्शन में, हम अगर लिप खुद कर जाए तो आप लोग तो देख सकते हो, आप लोग तो नहीं लिप कर रहे हो. ओके टेकन द स्क्रीनशॉट, मेघा ले लिया स्क्रीनशॉट या बाद में लेंगे? यस सर. अन्ना साहब आपने ले लिए? Yes, sir. Okay, I'm leaving the class. Thank you. और हाँ सुनो, IT batch 2 का कौन हो? मेघल आप batch 2 का हो क्या? IT batch 2 का उसको है क्या? Yes, sir. अमित आप 5 बजे के बाद, मेरा एक क्लास है 5 बजे के बाद, आप मुझे एक बार कॉल करना. ठीक है अमित? Okay, sir.